मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। आना तो था ही, फाइल जो देनी थी मुझे। फाइल देनी थी तो मुझे बुला लेती। कैसे, एक फोन तो रखा नहीं जाता तुमसे। ये नंबर किसका है? मैंने फोन ले लिया। मिर्ची तुम एक फोन क्यों नहीं ले लेते? फोन मुझे अच्छे नहीं लगते। एक कदम मैंने बढ़ाया, एक कदम तुम बढ़ा दो। वैसे मैंने फोन ले लिया तो अगर किसी को मुझसे बात करनी हो तो कर सकती है या कर सकता है। सब लोग कह रहे थे फोन ले लो फोन ले लो, मेरे पीछे पड़ी हुई थी, पड़े हुए थे, इसीलिए मैंने फोन ले लिया। वैसे मैंने भी तुमसे एक सवाल किया, ये कदम मैंने बढ़ाया, एक कदम तुम भी बढ़ाओ। चलो, वैसे अगर तुम फेस टू फेस शाय फील कर रही हो तो अब तुम मुझे मैसेज भी कर सकती हो, यू नो आई हैव अ फोन। दीदी फोन ले लीजिए आप। तुम्हारे सिली से कोचिंग के लिए मैंने अपने भाई को इतना परेशान किया, वो पोल भिजवाए, वो पोल थी लिखवाई। इसे भी अभी आना था। इन्हें दे दीजिए, इन्हें बहुत पसंद है। हाँ ऑफ कोर्स मुझे पसंद है, क्यों पसंद नहीं होंगे, इतने प्यारे फूल होते हैं। और वैसे भी मैं किसी और का गुस्सा इन बेचारे फूलों पे नहीं निकालूंगा। एक सेकंड भैया। थैंक यू भैया। बड़ी खूबसूरत सी तेरी हर अदा, बड़ी खूबसूरत सी तेरी भूल है, बड़ा खूबसूरत है चेहरा तेरा, बड़ी खूबसूरत सी तू एक फूल है, फूल है, so cute, है ना? एक फूल ही तो है जो एक शायर के जज्बात समझते हैं, वरना आजकल के एंग्री वायलेंट लोग कहाँ समझते हैं। नहीं so sweet, देखने में फूल जैसी है लेकिन तेवर कांटे जैसे हैं। मैं सिर्फ काम की वजह से तुम्हारे साथ आ रही हूँ, हम कोई फ्रेंड्स वेंड्स नहीं है। हाँ वैसे भी तीन तरह के लोगों को मैं अपना दोस्त बिल्कुल नहीं बनाता। पहला एंग्री, दूसरा वायलेंट और तीसरा चोरनी। और तुम में तीनों गुने वाले के फूल और कांटे। अबीर मैं अरे मैं सिर्फ अपनी फेवरेट फिल्म का नाम ले रहा हूँ यार, फेवरेट फिल्म का नाम लेने में भी चिढ़ रही हो, अजीब जमाना आ गया। बस स्टॉप वहाँ है। चंपानेर चंपानेर, चलो चलो बैठो बैठो, चलिए। मैं ना हमेशा बस की छत पे बैठ के जाता हूँ, ना ही विंडो सीट की लड़ाई, और जहाँ देखो वहाँ नजारे, है ना? कितना बोलता है ये आदमी। भाई साहब आपसे कुछ कह रही है? भैया चंपानेर की दो टिकट्स दीजिए। एक सीट पे फूल हैं और एक सीट पे फूल। अगर तुम मुझे ये सब इरिटेट करने के लिए कर रहे हो तो अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। अरे जो पैदा ही इरिटेट हुआ हो तो उसे कोई कैसे इरिटेट कर सकता है। तस्वीर में किसका चेहरा है, क्या बस की छत पे खुली धूप में सुबह का कोई तारा है, या कोई कहानी शुरू हुई है जिस पे नाम हमारा है। तस्वीर में किसके बाल हैं, तस्वीर में किसके फ्लावर्स हैं, बस के अंदर बिना धूप के क्या कोई रूठा है, क्या उन्हें देखकर इन हंसते फूलों का दिल भी टूटा है, उसे पता क्या इन फूलों में गुस्से से ज्यादा पावर है। तस्वीर में किसके फ्लावर्स है। वाह 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 वीर, क्या बात है। तुम्हें जो कहना सीधे सीधे क्यों नहीं कहते? मैंने क्या कहा, मैं तो अपने फूलों से बात कर रहा हूँ। अबीर अरे आराम से, एंग्री चोरनी वायलेंट मत हो ना, गुस्सा मत करो। मैं वायलेंट नहीं हूँ। लेकिन तुम्हारी शक्ल से तो ऐसा नहीं लग रहा ना, तुम्हारी शक्ल को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम
मुझसे ज्यादा नाराज हो और पापा से कम, क्योंकि सबसे ज्यादा गुस्सा दोस्तों पर ही आता है। मतलब हम दोनों दोस्त हैं? मैंने ऐसा कब कहा? अभी जो तुम्हारे मुख से शब्द निकले उसका तो यही मतलब है। हाँ, वो गलती से निकल गया होगा। मेरे मुंह से भी गलती से सॉरी निकलने वाला है और मेरे हाथों से ये फूल गिरने वाले हैं। अबीर, हम काम से जा रहे हैं और काम के अलावा कोई बात नहीं करने वाली मैं तुमसे। फूलों को भी पता है कहाँ जाना है। अपने फूल अपने पास रख। Help me God. बारात बैंड बाजा, ये तो स्टोरी के गुडलक चार्म्स हैं। जब मैं मिष्टी से फर्स्ट टाइम मिला था तब भी थे। सेकेंड टाइम जब मुझे रियलाइज हुआ था मिष्टी नानको से नहीं मुझसे प्यार करती है तब भी। अब थर्ड टाइम पता नहीं क्या होगा। थैंक यू सो मच कि आप लोग आए, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। बधाई हो। बधाई किस बात की? शादी, शादी की बधाई की ऐसी कम तैसी। वो कुत्ता कमीना मुझे छोड़कर किसी दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया। कहने लगा प्यार तो पहले ही से था, रियलाइज अभी हुआ। पानी, इतनी सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं। जैसे ही मुझे पता चला उसकी गर्लफ्रेंड है, मैंने उसे डंप कर दिया। यही तो गड़बड़ कर दी, लड़कियां रिश्ता नहीं तोड़ती। अरे आंटी, आप गलत कह रही हैं। जब लड़के बर्तन तोड़ सकते हैं, रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, तो लड़कियां भी तोड़ सकती हैं। वैसे ही अगर लड़के रिश्ता तोड़ सकते हैं तो लड़कियां भी तोड़ सकती हैं। हमें अपने बच्चों में फर्क करना बंद करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत ही स्मार्ट लड़की है और आई एम डबल श्योर कि ये जो लड़का इसे छोड़ के गया ना, वो एकदम लंगूर था। हाँ, लंगूर ही था। बिल्कुल सही कहा, लड़के लंगूर ही होते हैं। सारे लड़के कैसे? सब लड़के मैं लंगूर लग रहा हूँ क्या? हाँ, थोड़ी वेल ट्रेंड हूँ। संतरा वंतरा छील के खा लेते हो, पोइट्री भी अच्छी कर लेते हो, लेकिन हो लंगूरी। क्योंकि क्या है ना, वो सारे लड़के लंगूरी होते हैं। ए अंकल, क्या आप लड्डू खा रहे हो? हम पे इल्जाम लग रहे और आप चुप करके लड्डू खा रहे हो? ऐसे काम करोगे तो बदनाम होगी ना। मैंने क्या किया यार? और नहीं तो क्या, लड़कियों को हर बात पे कॉम्प्रोमाइज करने को कहते हो, अपने आप को बदलने के लिए फोर्स करते हो। सच्ची बात है। अरे नहीं आंटी, कुछ लड़के तो क्यूट से भी होते ना, बिना बोले नया चश्मा लेकर आते हैं। बहुत क्यूट छे। आप चुप रहिए, लड्डू खाइए। आप चश्मे की बात करो भैया। वो तो क्यूट हो गए, मेरी पसंद जो है। चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, कम से कम तुम्हें टाइम पे तो पता चल गया ना। वैसे एक बात बताओ, जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता होने वाला था तुम उसे कितना जानती थी? बस थोड़ा। और उस पे कितना ट्रस्ट करती थी? बस थोड़ा ही। इसका मतलब ऑलमोस्ट अजनबी था तुम्हारे लिए, राइट? जब ऑलमोस्ट अजनबी झूठ बोले तब बुरा लगता है, लेकिन जब कोई दोस्त झूठ बोले तो दिल टूट जाता है। और अगर वही दोस्त दिल से माफी मांगे तो दिल जुड़ भी जाता है। चलिए सब लोग चाय नाश्ता कर लीजिए, गाड़ी सीधा चंपानेर में रुकेगी क्योंकि यहाँ का रास्ता बीराना है। मुझे लगता है मेरे दूल्हे ने जो किया है ना, उससे ज्यादा तो आपने बुरा किया होगा। झूठे हैं, दिल तोड़ा है, इल्जाम तो हम पे हैं काफी, अब सब कुछ ही मंजूर, हमें सजा मिले या हो माफी। भाई, मैंने प्यार क्यों किया? प्यार किया तो डरना क्या? डरना जरूरी है। डरना मना है। जैसे हम दोनों अपनी फेवरेट फिल्में डिस्कस कर रहे थे, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? मनी कर्णिका। आप दोनों की चॉइसेस ना पूरा पश्चिम की तरह है। भैया, सर ऑर्डर। एक अदरक वाली चाय, चीनी कम, दूध ज्यादा।
चमत्कार इत्तफाक कुछ तो है, जाने होगा क्या। वैसे हम आहिस्ता आहिस्ता फ्लॉप फिल्मों तक पहुंच गया। अबीर खान, एक्सक्यूज मी, आपने उस अजीब आदमी को देखा क्या जो आपसे बात कर रहा था? नहीं, वो वापस नहीं आया। सब लोग बैठ जाओ, बस निकलने वाली है। मैडम बस निकलने वाली है। एक मिनट भैया, ये अबीर कहाँ चला गया? अजीब लड़का है, पहले फोन नहीं ले रहा था, अब ले लिया तो फोन नहीं लग रहा। भैया भैया बस 5 मिनट रुकिए, कोई रह गया है मैं उन्हें ढूंढ के आती हूँ। 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकेगी। अबीर, अबीर, वो मुझे यहीं छोड़ के चली गई। That's really mean. जितना सोचा था शायद उससे थोड़ी ज्यादा नाराज। अजीब आदमी, कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई थी मैं। हमारी बस निकल गई, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मिष्टी गई नहीं, मेरा इंतजार किया, मेरे लिए रुकी। कुछ बोलोगे भी, कहाँ थे तुम? पहले तुम ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो और कहाँ जाती? बस चंपानेर जा रही थी तो वो एक ऑप्शन तो सॉलिड था। पर तुम बस में नहीं थे ना? मतलब तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी, राइट? व्हाट, नो वे, मुझे तो खुद की चिंता हो रही थी। मुझे तो ये डर लग रहा था कि तुम्हारी वो एनजीओ की दीदीज और तुम्हारी फैमिली मुझे ब्लेम कर करके परेशान ना कर दे कि तुमने अबीर को रास्ते में छोड़ दिया। हाँ, एग्जैक्टली, एक लड़का जो हमेशा अकेले ट्रैवल करता है, दुनिया भर घूमता है, रात में कैंपिंग करता है, उसे जंगल में अकेले सर्वाइव करना कहाँ आता होगा। तुम्हें फालतू की बातें करनी ना, तो मैं अकेली जा रही हूँ। कैसे जाओगी? बस है नहीं, जिस तरह से तुम बाइक को धक्का दे रही थी उस हिसाब से लगता नहीं है कि तुम्हें बाइक चलानी आती है। हाँ नहीं आती, और भाड़े पे यही स्कूटी मिली इसलिए इसे धक्का मार के लाना पड़ा, और तब से मैं यही विश कर रही थी कि तुम मिल जाओ। मैं तो कहीं गया ही नहीं था। एक तो इतना अंधेरा है, ऊपर से जंगल, और मुझे स्कूटी भी चलानी नहीं आती। मैं बहुत डर गई थी अबीर। लेकिन फिर भी तुम डर के भागी नहीं। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अब बताओगे तुम कहाँ थे? ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम आ गया था जो तुम बस छोड़ के चले गए? वो छोड़ो, मैं तुम्हें इस बाइक पे बिठा के ले जाऊंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब क्या? तुम्हें फूल मुझसे लेने होंगे। एक हाथ से स्कूटी नहीं चला सकता ना, यू सी। तुम चलो घर साथ तो रास्ते मंजिल से बेहतर, इस चांद को इस रात को कल करेंगे याद हम, कि इस लम्हे हुए थे इश्क में बर्बाद हम। अब तो बस एक ख्वाब है, हो तेरे होठों पे हंसी, तू मुस्कराती है तो लगता है नई दुनिया है बसी। दिल की दुनिया जानता है कौन बोलो दिल से बेहतर, तुम चलो घर साथ तो है रास्ते मंजिल से बेहतर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।